वेलकम टू विधान स्टडी मैं हूँ फराज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल और आज हम बात करते हैं कि क्या 12 मार्च को एग्ज़ाम होगा अड़सठ हज़ार पाँच सौ का सो so, हाँ बिल्कुल 12 मार्च को एग्ज़ाम होना तो चाहिए लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं जैसा कि उसमें से एक प्रॉब्लम यह है कि अब तक टेट का रिजल्ट ही कंफर्म नहीं हो पा रहा है और दूसरा बड़ा यूज रीज़न है कि 12 मार्च को यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम तय हो गया है दो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा और उसकी तारीख रखी है 12 मार्च को क्या यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ जो हमारा इलाहाबाद है वो करवा पाएगा अड़सठ हजार भर्ती के एग्ज़ाम ये देखने वाली बात ही होगी वैल well, एक बात याद रखना कि ये जो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये बहुत बात की बात है लेकिन फिलहाल हम 12 मार्च ही मान कर चलेंगे और 11 मार्च तक उसकी पूरे अच्छे से तैयारी करेंगे जब तक हमें इस बारे में कुछ और पता नहीं लग पाता ओके फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स तो नेक्स्ट हमारा ये मेन मुद्दा यही है कि जिला वरीयता प्रॉफिट है या लॉस तो कुछ लोगों के लिए प्रॉफिट है और कुछ लोगों के लिए लॉस और ओवरऑल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिला वरीयता हट ही जानी चाहिए ताकि सभी वहाँ से चूज़ कर पाएँ और जिनके पास कम सीटें हैं वो और जगह से चूज़ कर पाएंगे जो कि काफ़ी सही रहेगा एंड सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप देख सकते हो मेरी वीडियोस को भी प्रॉब्लम आए उसके लिए आप कमेंट कीजिए थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर